तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, बार बार ऐसा टू कंडीशनल प्रॉब्लम आया है जेईई मेन में। कहता है थ्रेशोल्ड वे एक मेटल है, तो चलो एक मेटल ले लेते हैं। इस मेटल की अपनी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो अगर इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इस मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है। ठीक है, थ्रेशोल्ड व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, तो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है। तो 2f का फ्रीक्वेंसी पड़ा इंसिडेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आए उनकी वेलोसिटी वी वन थी, और ये वही मेटल है मेरे भाई। तो अगर तुम देखोगे ये मेटल वही है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी थी। तो टू कंडीशनल प्रॉब्लम में बार बार जेईई मेंस में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, मतलब फ्रीक्वेंसी इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर नहीं आएगा, समझ रहे ना। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स एफ नॉट कर दिए, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी टू है, तो वी वन और वी टू की रेशियो निकालनी है। तो ऐसा आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज कर दो, इंसिडेंट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। इस इक्वेशन को लगा दोगे तो 95% न्यूमेरिकल इस चैप्टर के इसी सवाल से हो, इसी इक्वेशन से हो जाएंगे। तो इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू मतलब इंसिडेंट इज एच न्यू नॉट, ठीक है। वर्क फंक्शन फाई कभी चेंज नहीं होगा, तो वर्क फंक्शन फाई अगर तुम देखोगे यहाँ से, तो वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी के लिए एक काम करते हैं, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से वेलोसिटी मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी है वेलोसिटी, वो हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से एच न्यू वन न्यू माइनस वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट। तो यहाँ से फर्स्ट टाइम जो है एच फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2f0 था, और माइनस HF0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब यह आ जाएगा HF0 इज इक्वल टू हाफ एम बी वन का स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन तुम देखोगे इक्वेशन नंबर टू में यहाँ से, तो यहाँ से हाफ एम बी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू एच 5 टाइम्स HF0 माइनस HF0 थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन फाइव, मतलब 4 टाइम्स HF0 यहाँ से, मतलब यहाँ से जो बी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो हाफ एम बी टू का स्क्वायर इतनी आ जाएगी। इक्वेशन नंबर टू क्या चाहिए था, बी वन अपन बी टू की रेशियो चाहिए था, तो डिवाइड कर दिया जाए तो बी वन अपन बी टू की जो रेशियो आ जाएगी वो आ जाएगी 4 बाई 4 अंडर रूट 4 बाई 1 अंडर रूट, मतलब 2:1 आ जाएगा। तो 2:1 कौन सा है भाई, तो बी वन अपन बी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ से बी वन अपन बी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो बेसिकली आ जाएगी, यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा यहाँ से, तो 1/4 बचेगा, तो 1/2, मतलब कुल मिला के हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। गलत है, ये गलत है। तो सारे वीडियो देख लेना मॉडर्न फिजिक्स के बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपना बहुत ख्याल रखना, मोटिवेटेड रखना।